नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रॉयल राजस्थान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज जब हम आए हैं वो ऐसी जगह है जहां पर सोरसन नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहां की मान्यता है कि जो माता जी है उनकी केवल यहां पर पीठ पूजाई जाती है। तो इस मंदिर के बारे में भी काफ़ी सारे बातें करेंगे। हमारे साथ हैं यहां के जो पंडित जी हैं जो यहां की पूजा और सेवा करते हैं माता रानी की, तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे सोरसन इस मंदिर के बारे में। तो आपका नाम क्या है पंडित जी? राम भरोस शर्मा नाम है मेरा। तो राम भरोस जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे माता जी की पीठ की पूजा होती है, तो इसके पीछे कोई कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है कि वो बोरा जी थे मानपुरा, माना जी बोरा, और जा रही थी उनकी पत्नी रोटी लेके, और उनका वो टिफिन रास्ते में गिर गया, वहाँ वो सोने का हो गया। तो उन्होंने जाकर उनको बताया बोरा जी को कि क्या हुआ, कि वहाँ जाके ऐसे हो गया, गिर गया और ये सोने का हो गया, वो वापिस आए। तो उन्होंने वहाँ जाके फिर वो देखा तो पत्थर था, पारस पत्थर इसी का ही रूप था। तो फिर ये सपने में गई उसी रात में, इन्होंने उससे जाके कहा बस अब जा रही हूँ मैं, तेरे को दर्शन दे दिए मैंने। कहा उन्होंने रोका इसको, कहा मैं जब तक चार धाम की यात्रा करके नहीं आऊँ जब तक आप ही यहीं विराजमान रहेगी। वो यात्रा करने चले गए माता जी के इनसे वचनों में बांध के, और वो यात्रा से वापस नहीं आए और माता जी की यही पीठ ऐसी कैसी पूजा गई, ये कारण है इसका। तो दोस्तों, हमने जाना कि यहाँ पे पीठ क्यों पूजाई जाती है, साथ में पंडित जी हमने सुना है कि यहाँ पे मेला भी लगता है। हाँ, शिवरात्रि। तो आप बताइए कि मेला किस टाइम पर लगता है और मेले में क्या प्रचलन है, क्या प्रचलित है ताकि जिसके कारण मेला लगता है यहाँ पे? घोड़े गधे का मेला लगता है यहाँ फागुन शिवरात्रि को 15 दिन तक, इसे ही उधर से वो फेमस है। और यहाँ पर देखने लायक क्या क्या जगह है सोरसन पे? एक तो माता जी का मंदिर तो ऐसे ब्रह्माणी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? और यहाँ अभ्यारण्य फर्स्ट नंबर पे सवाई माधोपुर, और सेकंड पे सोरसन अभ्यारण्य आता है। यहाँ पर्यटक बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ। और माता जी के अलावा और किस चीज का मंदिर है यहाँ पे आसपास? इससे माता जी के पहले का मंदिर शंकर भगवान का है। यहाँ सबसे पहले शिव जी की स्थापना हुई थी, उसके बाद में माता जी सोरसन से चलकर यहाँ आई है। तो दोस्तों, आपने जाना कि यहाँ माता जी की पीठ क्यों पूजाई जाती है।